दोस्तों, क्या आप अपनी बुलेट पे वही पुराना स्टॉक सेंसर यूज कर रहे हैं? क्या आप दुक-दुक की जो आवाज है वो मिस कर रहे हैं? क्या आप मॉडिफाइड साइलेंसर यूज करना चाहते हैं? ये बहुत सारे सवाल लोगों के माइंड में चल रहे हैं, बुलेट लवर्स के माइंड में चल रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन ठीक ढंग का नहीं निकल रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक साइलेंसर को ही मंजूरी है, उसके अलावा आप दूसरा साइलेंसर कोई यूज ही नहीं कर सकते। तो जब दूसरा साइलेंसर यूज ही नहीं कर सकते, तो दुक-दुक की जो लाउड सी आवाज है वो आप पा ही नहीं सकते। लेकिन अब कंपनी ने एक सोल्यूशन निकाल दिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा रॉयल इनफील्ड का, कि रॉयल इनफील्ड ने इस तरह सोचा और एक सोल्यूशन निकाला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। तो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने कम्प्लीटली 16 साइलेंसर इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी 16 मॉडिफाइड साइलेंसर इंट्रोड्यूस किए हैं। ये कम्प्लीटली लीगल हैं, इनका कोई चलान नहीं हो सकता। मैं वीडियो में आपको एक एक करके सारे साइलेंसर दिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, उनकी प्राइस भी बताऊंगा। जो भी मैं आपको प्राइस बताऊंगा, आप ये समझ लीजिए वो साइलेंसर का प्राइस है, यानी एग्जॉस्ट का प्राइस है। उसके अलावा जो फिटिंग चार्जेस होंगे वो कंपनी अपना अलग से लेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम रॉयल एनफील्ड की साइट पर पहुंच चुके हैं। मैंने यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की साइट खोली भी है। यहाँ पे मैं जेन्युइन मोटरसाइकिल एसेसरीज पे गया हूँ। इस पे जाके मैंने यहाँ पे क्लासिक का ऑप्शन खोला। क्लासिक की ऑप्शन के बाद बफरिंग होएगी। बफरिंग के बाद आप थोड़ा नीचे नीचे आइए 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 और अब आपको फाइनली साइलेंसर मिल जाएंगे। तो ये कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिए हैं ये 16 साइलेंसर। पहला साइलेंसर की बात करें तो ये स्ट्रेट कट एंड कप साइलेंसर है। इसकी जो प्राइस है वो 3450 रुपये की, यानी 3450 रुपीज़ की। ये बेसिकली आपको दो कलर में अवेलेबल मिलेगा, आधा ये आपका क्रोम में और जो पिछली साइड है वो आपको उसमें ब्लैक की मिलेगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट कट में आपको मिलेगा। इसके अलावा हम आगे जाते हैं तो दूसरा है स्लैश कट। स्लैश कट यानी थोड़ा टेढ़ा कट। जो ये स्लैश कट वाला साइलेंसर है, ये आपको 3300 रुपये का पड़ेगा, यानी 3300 रुपये का पड़ेगा। इन सब साइलेंसर में आप देख सकते हैं, दोनों साइलेंसर में आपका रॉयल एनफील्ड का लोगो लगा हुआ है। दोस्तों, साथ में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप ये साइलेंसर इंस्टॉल कराते हैं अपनी बाइक में, तो जो भी इसका बिल होगा उसको संभाल के रखिएगा। अगर अपने साथ जो अपनी RC है, जो आपके पेपर्स हैं अपनी बाइक्स के, उसके साथ ही रखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि ये साइलेंसर मॉडिफाइड लगते हैं देखने में, उनको लगता नहीं है कि ये कंपनी के साइलेंसर हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर ऐसे डुप्लीकेट साइलेंसर भी आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है पुलिस वालों के साथ। तो अगर आपके पास बिल है तो आप उनको बिल दिखा के अपना चलान से बच सकते हैं। तो आगे देखेंगे तो आगे आपको मिलेगा पी शूटर एंड कप, यानी जो बेसिकली जो साइलेंसर आ ही रहा है उसी पर थोड़ा सा इन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया, लास्ट में इसका ब्लैक कर दिया है और उसको आधा क्रोम से कर दिया है। वही साइलेंसर है ये आपको 3600 का मिलेगा। इसके बाद आएगा फिर स्ट्रेट कट, ये कम्प्लीटली क्रोम कलर का है, यानी जो पहले हमने स्ट्रेट कट देखा था वो पीछे से ब्लैक था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये था, ये पीछे से ब्लैक था, लेकिन ये वाला आपको कम्प्लीटली क्रोम में मिलेगा, यानी ये पड़ेगा 3450 रुपीज़ का पड़ेगा आपको। और अगला साइलेंसर फिर स्लैश कट है, ये कम्प्लीटली क्रोम में, यानी जो पहले हमने देखा था ये वाला, ये आधा पीछे से ब्लैक था और उसके बाद ये क्रोम में था, तो वही है ये भी, ये आपको फुल क्रोम में मिलेगा। इसके बाद ये मेरा सबसे फेवरेट साइलेंसर है, क्योंकि मुझे एक्चुअली अगर आप स्टैंडर्ड पे लगवाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड के लिए सबसे ये मेरा फेवरेट है। ये बिल्कुल स्टॉक साइलेंसर जैसा ही लग रहा है और इसमें एक रॉयल एनफील्ड का लोगो है, ये बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। इसकी प्राइस 3600 की है। इसके बाद फिर स्ट्रेट कट है, जो अब क्या कि स्ट्रेट कट में इन्होंने क्या करा कि पहले इन्होंने लास्ट में ब्लैक दे दिया, पूरे में क्रोम दे दिया, फिर उसके बाद इन्होंने दिया पूरा क्रोम दे दिया, उसके बाद अब बैक साइड वो दे दी ब्लैक दे दी और उसके लास्ट में इन्होंने क्रोम दे दिया। तो ये भी अच्छा है, 3450 रुपीज़ का है। अगर आप अपना क्लासिक में लगाना चाहते हैं, क्लासिक्स के लिए बेसिक ये अच्छे साइलेंसर हैं, क्योंकि क्लासिक में भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो स्टैंडर्ड में इसी तरह का साइलेंसर अच्छा लगता है, वो यानी पी शूटर सिलेंडर एंड कप वाला साइलेंसर ही अच्छा लगता है। ये बाकी साइलेंसर स्टैंडर्ड में नहीं अच्छे लगते, स्टैंडर्ड में ये इसी तरह का साइलेंसर अच्छा लगता है। बाकी बात करें क्लासिक के लिए, ये साइलेंसर है, दोनों क्लासिक के लिए साइलेंसर देख सकते हैं, बाकी सारे साइलेंसर क्लासिक में अच्छे लगेंगे। क्लासिक ऐसी बाइक है कि इसमें किसी भी तरह का साइलेंसर आप लगा लीजिए, उसमें अच्छा लगता ही लगता है। तो अगर हम देखते हैं, फिर आपको वही पी शूटर एंड कप साइलेंसर मिलेगा, लेकिन इसमें कलर का कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाता है। ये आपका ब्लैक होगा, उसके बाद एंड में आपको क्रोम कलर का मिलेगा, वही इसकी प्राइस 3600 की इसकी प्राइस है। इसके बाद
बेसिकली इन्होंने सिलेंसर 4 या 5 किस्म के निकाले हैं, बस उसमें कलर का कॉम्बिनेशन देके आपको डिफरेंट डिफरेंट के सिलेंसर ये बन जाते हैं। तो उसके बाद ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर में है। ये सिलेंसर काफी अलग अलग है, ये सिलेंसर मैंने काफी टाइम बाद देखा है। ये सिलेंसर आपको टेम्पर्ड एंड कप के साथ मिलेगा, ये ब्लैक कलर में है, इसके लास्ट में ब्लैक मिलेगा और पूरा ये क्रोम कलर में मिलेगा। इसके बाद फिर स्लैश कट है कम्प्लीटली ब्लैक कलर में, 3300 रुपये का ये है। इसका जो ऊपर था वो 3400-550 रुपीज का था। उसके बाद फिर सिलेंसर मिलेगा टोटली क्रोम कलर में। ये सिलेंसर अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसा लगता है कि ये सिलेंसर शायद स्टैंडर्ड में भी अच्छा लगेगा। 3450 रुपीज का मैं जाऊंगा अगर सिलेंसर लगाने तो, मैं एक बार इसको भी चेक कर लूंगा, अगर ये सिलेंसर अच्छा लगा तो मैं अभी इसको शायद लगा लूँ। उसके बाद हम देखेंगे फिर वही टैपर्ड का हैंड कप सिलेंसर है, ये पीछे से आपका ब्लैक है और फ्रंट में आपका ये क्रोम में आपको मिलेगा। फिर ब्लैक कलर का एक सिलेंसर आ जाता है, कम्प्लीटली ब्लैक कलर का है, ये आपका स्टैंडर्ड में भी अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से और क्लासिक दोनों में अच्छा लगेगा। फिर ये कम्प्लीटली टैपर्ड हैंड कप है, ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर का है। तो ये कम्प्लीटली आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 मतलब कम्प्लीटली 16 सिलेंसर इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, लॉन्च किए हैं। अभी ये सिलेंसर राइट नाउ बुकिंग में चल रहे हैं, अगर आप ये इन सिलेंसर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको बुक करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सिलेंसर के बारे में, आप देख सकते हैं कि वही साइड में सिलेंसर खुला है, ये स्टेनलेस स्टील के हैं, सिल्वर ब्लैक कलर जो कॉलर है वो बताया गया है। तीसरे नंबर पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें वारंटी के बारे में बात की गई है, यानी इसकी जो वारंटी है वो 2 ईयर्स की वारंटी है। आपको हर सिलेंसर की जो वारंटी है वो आपको 2 साल की मिलेगी ही मिलेगी। आप देख सकते हैं वीडियो में जो मिनिमम प्राइस है वो 3300 का है, 3300 से शुरू होकर ये सिलेंसर 3600 तक पहुंच जाते हैं। तो यानी एक देखा जाए तो ओरिजिनल के हिसाब से एक डिसेंट प्राइस है। अगर इसके साथ अगर बात करें, अगर बाहर से आप कोई भी मॉडिफाइड सिलेंसर लगाते हैं तो आप याद रखिए उसके साथ आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक डिसेंट सी प्राइस रखी है इन्होंने, ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं और ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा कम कह सकते हैं, एक बीच की है, मिड रेंज प्राइस है, यानी डिसेंट सी इन्होंने एक प्राइस रखी है इस चीज़ की। तो जो भी मेरे दोस्त और मेरे भाई मॉडिफाइड सिलेंसर्स के दीवाने हैं उनके लिए ऑप्शन खुल चुका है, ना ही इनका चलान होगा, ना ही आपको कोई पुलिस वाला परेशान करेगा। लेकिन आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसका जो बिल है वो आपको अपने पास रखना है, क्योंकि पुलिस वाले कई बार परेशान करते हैं, नहीं मानते कि वो आपने की कंपनी से सिलेंसर लगाया है। तो अपने साथ अगर बिल रखेंगे तो आप उनको बिल दिखा के मना सकते हैं कि ये देखिए मैंने कंपनी का ही सिलेंसर लगाया है, ये स्टॉक सिलेंसर ही है, ये कोई मॉडिफाइड सिलेंसर नहीं है, मैंने बाहर से नहीं लगाया आवाज़ साउंड के लिए। और बात करूं इसके साउंड की, तो जो इसकी साउंड है वो दुग दुग वाली साउंड ही होगी। अगर मैं इस सिलेंसर की बात करूं, यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल सिलेंसर है मतलब पी शूटर एंड कप वाला सिलेंसर है, तो जो उसकी आवाज़ है वो दुग दुग की होगी, जैसे इंदौरी सिलेंसर में आती है। ये जो पंजाब बॉटल सिलेंसर होते हैं वैसी आवाज़ नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है। इसमें आपको आवाज़ मिलेगी, अगर आपने इंदौरी सिलेंसर यूज़ किया है तो आपको पता होगा इंदौरी सिलेंसर की भी दुग दुग की आवाज़ होती है, लेकिन वो थोड़ा सा लाउड नहीं होती, वो थोड़ा सा कम होती है, वो एक जेन्युइन सी अमाउंट होती है। देखिए अगर आप पंजाब सिलेंसर यूज़ करते हैं, एक तो आपके इंजन में भी प्रॉब्लम आने का डर रहता ही रहता है, दूसरा होता है क्या एक नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो सिलेंसर है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रॉयल इनफील्ड ने ये सिलेंसर लॉन्च करके एक तरह से देखा जाए तो अपनी जो बाइक्स की गिरने वाली जो सेल थी, इन फ्यूचर अगर इनकी सेल गिर सकती थी साउंड की वजह से, ये जो गिनती से सेल थी इन्होंने बचा ली है। अब मुझे लगता है कि रॉयल इनफील्ड को बीट करना सारी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको दुख दुख की आवाज़ वापस चाहिए तो जाके कंपनी से जाके अपने सिलेंसर बुक करा लीजिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने पास पेपर जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बिल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान कर सकता है कि नहीं ये स्टॉक सिलेंसर नहीं है, ये मॉडिफाइड सिलेंसर है। तो उस केस में आप वो बिल दिखा के उस पुलिस वाले से बच सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, समटाइम लोग बहुत ज़्यादा वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, बार बार सब्सक्राइब का बटन क्लिक हो रहा है तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बटन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपको स्क्रीन में और वीडियो नज़र आ रही होंगी, अगर आपको कोई वीडियो इसमें से अच्छी लग रही है, कोई इंटरेस्टिंग लग रही है तो उस वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिख चुका होगा, उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।